बिहार में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों की भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं राजद भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर चुकी है। इसी क्रम में सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि सीवान में जो कभी राजद का वर्चस्व था, अब वह कायम नहीं रहने वाला है। सीवान में राजद की सियासी पकड़ बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की वजह से थी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद से वहां के सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन की मौत पर राजद परिवार की तरफ से कोई खास तवज्जो शहाब परिवार पर नहीं दी गई। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी और खास शहाबुद्दीन थे। उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि शहाब परिवार के मुश्किल वक्त में उनके साथ राजद परिवार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ही शहाब के समर्थकों ने राजद से किनारा करने का मन बना लिया था। बाहुबली की पत्नी हीना शहाब राजद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए शहाब के समर्थक उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि हीना शहाब राजद से किनारा कर सकती हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनके बेटे उसामा शहाब का जेल जाना। हीना शहाब को यह उम्मीद थी कि राजद परिवार के हस्तक्षेप से उसामा को जेल जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हीना पहले ही मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बता चुकी हैं कि पहले उनके पति की मौत हो गई, अब उनकी गोद भी सूनी रह जाएगी। मां के बाद गोद भी उजड़ जाने पर मैं क्या करूंगी, हीना ने भावुक होते हुए अपनी बात रखी। वहीं बेटे की सलामती और हिफाजत की दुआ भी की। आपको बता दें कि राजद के टिकट पर हीना शहाब ने चुनावी दांव खेला था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। अब बेटे उसामा शहाब के जेल जाने के बाद फिर से उनके समर्थकों में रोष है। वहीं समर्थकों ने पहले जेल तब बेल फिर हुई खेल के नारे भी बुलंद कर दिए हैं। चर्चा है कि हीना शहाब राजद से किनारा कर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी बिगुल फूंक सकती हैं।